बिग बॉस के बाद श्री संत की हो गई ऐसी दर्दनाक हालत। तकलीफ देख पत्नी भुवनेश्वरी ने शेयर की फोटो। बिग बॉस सीजन 12 के सबसे गुस्सैल कंटेस्टेंट श्री संत इस वक्त खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में नजर आ रहे हैं। श्री संत को मिलाकर इस शो में 12 सेलिब्रिटीज है जो रोहित शेट्टी के एक इशारे पर खतरों का सामना कर रहे हैं। सीजन के पहले स्टंट को करते वक्त श्री संत की ऐसी हालत हो गई जिसे देखकर दुनिया भर के फैंस का दिल जरूर टूट सकता है। इन तस्वीरों को किसी और ने नहीं बल्कि श्री संत की पत्नी भुवनेश्वरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीरों को शेयर करते हुए भुवनेश्वरी ने लिखा, देश खतरों के खिलाड़ी में पहला स्टंट करते वक्त श्री संत के पैरों की ऐसी हालत हो गई। इन तस्वीरों में श्री संत के पैर को कीड़े मकोड़ों ने बुरी तरह से काटा हुआ है जिसकी एक झलक भी देखना मुश्किल हो जाएगा। खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में श्री संत से रोहित शेट्टी के सवाल को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बिग बॉस शुरू होने से पहले ही खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग जुलाई में खत्म कर ली गई थी, लेकिन शो के दौरान श्री संत से एक ऐसी बात कही गई जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। खतरों के खिलाड़ी के प्रीमियर एपिसोड में रोहित शेट्टी कहते हैं कि श्री संत, मैंने देखा कि तुम कुछ ही वोट से ट्रॉफी जीतने से चूक गए। ऐसे में यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रोहित को कैसे पता चला कि श्री संत बिग बॉस हार गए हैं जबकि इसकी शूटिंग पहले ही खत्म हो गई थी। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि क्या ये पहले से तय था कि बिग बॉस 12 के रनर अब श्री संत होंगे, जबकि जून में क्लर्स ने खतरों के खिलाड़ी शूट कर लिया था। क्या कर रहे हो? खास बात है कि प्रीमियर शो पर गौर करें तो रोहित शेट्टी जब श्री संत से कहते हैं कि वो बिग बॉस से चूक गए, उस वक्त कैमरा रोहित शेट्टी पर फोकस नहीं होता। ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित शेट्टी ने अपनी आवाज में डबिंग की है और शो के उस हिस्से को दोबारा एडिट किया गया है। इस बीच श्री संत के फैंस ट्विटर के जरिए दीपिका कक्कड़ पर एसिड अटैक की धमकी भी दी है, जिस पर अब श्री संत की पत्नी दीपिका कक्कड़ के बचाव में उतर आई है।